रांची के रॉक गार्डन सभागार में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद हैं। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। पार्टी के सभी विधायक रॉक गार्डन सभागार में आयोजित इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने ये बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। तो और क्या जानकारी मिल पा रही है, जानते हैं अपने सहयोगी विपिन से। सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि बैठक को लेकर क्या खास जानकारी मिल पा रही है। जी विपिन, ये देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहाँ रॉक गार्डन सभागार में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और कांग्रेस के 17 विधायक इस बैठक में मौजूद है। दीपिका पांडे जो महगामा से कांग्रेस की विधायक हैं, उन्हें हाल में ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया था और उत्तराखंड का सह प्रभारी का जिम्मा भी उनको दिया गया था, तो इसलिए आज वो फिलहाल उत्तराखंड में है। उनको छोड़कर पार्टी के तमाम विधायक जो है इस विधायक दल की बैठक में मौजूद हो चुके हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो जब सरकार गठन के एक साल पूरे हुए थे, उस वक्त दिसंबर के महीने में जब विधायक दल की बैठक हुई थी, तो यह तय किया गया था कि हर महीने कांग्रेस विधायकों की बैठक जो है वो आहूत की जाएगी। और उसी दौरान, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस जो है वो रूलिंग पार्टी है, सरकार में शामिल है, गठबंधन की सरकार यहां पर चल रही है, इसलिए आज विधायकों के क्या कुछ ग्रीवांसेस है, उनके क्षेत्र में सरकार की योजनाएं कितनी पहुंच पा रही है, या फिर जो पिछली बैठकों में एजेंडा तय हुआ था उसको कितने हद तक अमलीजामा पहनाया जा पाया गया है, उन तमाम मसलों पर बैठक में चर्चा चल रही है। और जाहिर सी बात है, हाल के दिनों में जो स्थितियां बनी थी, जिस तरह से दिल्ली में ये बातें उभर कर आई थी कि बोर्ड निगम का बंटवारा भी जल्द होना है, इसको लेकर भी इस बैठक में स्वाभाविक तौर से जब विधायक दल बैठेगा तो विधायक अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही साथ बीती बार जब मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई थी, तो उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण का सेकेंड वेव गुजरा है, आने वाले थर्ड वेव को लेकर भी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है और कई महत्वपूर्ण विभाग जो है वो कांग्रेस के कोटे में है इस सरकार में, चाहे बात स्वास्थ्य विभाग की करे, खाद्य आपूर्ति विभाग की करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करे, ग्रामीण विकास की बात करे, या फिर कृषि विभाग की। तो ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने पहले भी कई बार कहा था कि उनकी बातों को भी तवज्जो सरकार में मिलनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में वो अपने जनता से किए गए कमिटमेंट को पूरा कर सके। साथ ही साथ आज की इस बैठक में जो तमाम वो मैनिफेस्टो के एजेंडे जिसके आधार पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का गठबंधन के तहत, उस पर भी चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर बात किया जाए कि हाल के दिनों में रोजगार को लेकर जो सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला था, तो कांग्रेस भी लगातार इस बात की पक्षधर रही है कि रोजगार जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके, इस मसले पर भी चर्चा हो रही है। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने देर रात जो एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये जानकारी मिली है कि सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया है एसएससी को, राज्य के महाधिवक्ताओं को, कि जो भी अड़चने हैं सरकार की नई नियुक्तियों में या फिर नियुक्तियां जो लंबित पड़े हैं उसको तत्काल एक महीने के अंदर उन जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को आरम्भ की जाए। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा चल रही है। थोड़ी बहुत नाराजगी अगर किसी गठबंधन की सरकार में आती है तो ऐसे में यही वो उचित प्लेटफॉर्म है जिसकी बात लगातार कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप या कांग्रेस विधायक दल के नेता या प्रदेश अध्यक्ष करते आए हैं कि उचित फोरम में विधायक अपनी बातों को रखे। तो उसी फोरम पे आज बैठक हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहां बैठक होगी और आज जो चीजें जिन-जिन विषयों पर विधायक अपना ध्यान आकृष्ट कराएंगे अपने प्रदेश नेतृत्व को, विधायक दल के नेता को, इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री से फिर बातचीत होगी और आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस जो है अपने वादों को पूरा कर सके, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके, इन हर मसलों पर चर्चा जो है फिलहाल इस बैठक में जारी है। दीपक, बिल्कुल विपिन, ऐसी भी कोई जानकारी है विधायकों की किसी विषय को लेकर नाराजगी या फिर पार्टी नेतृत्व से शिकायत, उस पर भी बातचीत की संभावना?
जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि यही विधायक दल की बैठक ही जो सर्वोच्च बॉडी कांग्रेस में लेजिस्लेचर की होती है, जिसके अंदर विधायक अपनी बातों को रख सकते हैं, उसी विधायक दल की बैठक आहूत की गई। और ये कोई आपात बैठक नहीं है, रूटीन, क्योंकि पहले ही तय हो चुका है कि हर महीने कांग्रेस विधायकों की बैठक आहूत की जाएगी, अलग अलग विधायक इसके होस्ट होंगे। तो उसी कड़ी में आज भी बैठक हो रही है। दिल्ली से भी जो विधायक गए थे वो वापस लौट चुके हैं। जरूर उन्होंने कहा है कि बोर्ड निगम और तमाम मुद्दों पर दिल्ली पे बातचीत हुई है, लेकिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोलिशन की गवर्नमेंट है। ऐसे में बहुत ज्यादा बयानबाजी विधायकों को भी ना करने की नसीहत दे दी गई है। और आज भी कई दिशा निर्देश जो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी आरपीएन सिंह, उन्होंने भी कई दिशा निर्देश विधायकों के लिए दिए हैं, जो कि इस बैठक में जिसकी जानकारी सीएलपी लीडर जो कांग्रेस के हैं आलमगीर आलम वो देंगे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जो है प्रदेश के डॉक्टर रामेश्वर वर्मा वो देंगे। तो हर विषयों पर आज बातचीत होनी है। जो गिला सिकवा है उसे भी विधायकों को आज की इस बैठक में रखना है, ताकि जो एक कमिटमेंट के साथ सरकार यहां बनी है, एक कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, वो स्मूथली चले। और साथ ही साथ कांग्रेस का जो वादा मैनिफेस्टो के जरिए राज्य की जनता के प्रति था, उसे भी पूरा किया जा सके। जी विपिन, तो नजर बनाए रखें फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, पार्टी नेता हर विषय पर इस बैठक में बात रखेंगे और कोई नाराजगी है उसे दूर की जाएगी। किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए, विधायकों द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास योजनाओं को गति दी जा रही है, इस पर बातचीत, इस पर मंथन के कैसे और जनता से संगठन का जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए।